ये है वक्त मीडिया। नगर पंचायत लावड़ मेरठ के जेरे एहतमाम 8 सितंबर 2023 को ऐतिहासिक मेला रक्षाबंधन के मौके पर लावड़ के गिरीन वैली पंडाल में एक अजीमुशान ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया। मुशायरे की सदारत सहारनपुर की अदब नवाज शख्सियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाजी फजलुर रहमान साहब ने की। उस्ताद शायर शाहिद हसन शाहिद की सरपरस्ती में मुनक्किद इस यादगार और तारीखी मुशायरे के मेजबान रहे अदब नवाज शख्सियत हाजी शकील कुरेशी साहब चेयरमैन पति लावड़। कन्वीनर मुशायरा रहे खूबसूरत अदब नवाज और हर दिल अजीज शख्सियत जनाब कमाल कुरेशी साहब। इस शानदार मुशायरे में अपनी निजामत के जलवे बिखेरे आलमी शोहरत याफ्ता शायर व नाजिम मुशायरा जनाब रियाज सागर साहब ने, जिन्हें बेहतरीन निजामत के लिए अवार्ड शॉल और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। तो आइए इस खूबसूरत शेरी सफर को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। इन अशार के चांद सा मिश्रा अकेला है मेरे कागज पर, छत पे आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो। मैं इन अशार के साथ के चांद सा मिश्रा अकेला है मेरे कागज पर, छत पे आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो। और तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा, यूं करो जाने से पहले मुझे पागल कर दो। डॉक्टर बशीर बद्र के इन खूबसूरत अशार के साथ आइए आपको गजल की उस खूबसूरत फजा में लिए चलता हूँ, जहाँ जिंदगी अपने तमाम तर रंगीनी और रानाइयों के साथ रवा दवा नजर आएगी। और गुजारिश करता हूँ न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी उर्दू दुनिया के मुशायरों में सामाइन के दिलों पर हुकूमत करने वाली उस खूबसूरत और दिलनवाज शायरा से, जो आपके दिलो दिमाग पर दस्तक देती हुई, आपके जहनों को झंझोड़ती हुई, अपने कलाम की नगमगी बखेरती हुई आपके जहन की वादियों में उतर जाएगी। मेरा रूह सुखन है इन अशार के साथ कि तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, और तू ही बता क्या तेरी गजल में जादू है, बच्चा बच्चा तेरा दीवाना लगता है। आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें आपकी महबूब शायरा आपकी खास दावत पर दोबारा तशरीफ लाई है मोहतरमा रुखसार बलरामपुरी। जोरदार ताली। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बेदार हैं आप लोग माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं और अच्छी शायरी की हिफाजत कर रहे हैं। एक मतला चंद शेर हाजिर करती हूँ, एक बार तालियां बजा के इजाजत दे दें। हाजिर कर चेयरमैन साहब चले गए, चेयरमैन साहब को छोड़ने गए, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं। हाजिर करती हूँ, यहीं से आप अपनी दुआएं दीजिएगा, मुलाहजा करें। आज महफिल में वही यार हमारा पेश करती हूँ, देखें पढ़ने तो दो भाई मेरे। आज महफिल में वही यार हमारा होगा जिसका मजबूत मोहब्बत में इरादा होगा। बहुत शुक्रिया। जिसका मजबूत में इरादा होगा, इरादा होगा। और शेर हाजिर करते देखे, चैन गारत हुआ और नींद भी आगा, चैन गारत हुआ और नींद भी में भी ऐसा होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद रुखसार बलरामपुरी जिंदाबाद।
बहुत शुक्रिया नाज़िम मुशायरा, दुआओं से नवाज रहा। एक बार जोरदार तालियां रियाज सागर साहब के लिए। और मेरी खुश नसीबी है कि इतने सीनियर शायर की निजाबत में मैं पढ़ रही हूँ। बहुत शुक्रिया। और सदर मोहतरम डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब हैं, ये मेरी खुश नसीबी है। हाजिर करती हूँ, मुलाजा करें। छोड़ कर जाओ ना महफिल में अकेला, अगर ये शेर अच्छा लगे तो आप अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा। छोड़ कर जाओ ना महफिल में अकेला मुझको, इश्क है इश्क भला कैसे दोबारा होगा, दोबारा होगा। और ये भी निशान कुरैशी कह रहे हैं, शेर दोबारा पढ़ दो, इनको दोबारा इश्क करने की तमन्ना है। मुलाजा करें। छोड़ कर जाओ ना महफिल में अकेला मुझको, छोड़ कर जाओ ना महफिल में अकेला मुझको, इश्क है इश्क भला कैसे दोबारा होगा। वाह वाह जिंदाबाद, क्या कहना है, वाह वाह वाह। और ये खूबसूरत शेर हाजिर करती हूँ, मुलाजा करें। गैब से उतरेगी इमदाद तेरे बच्चों पर, चेयरमैन साहब तशरीफ ले आए। ये उन्हीं के हवाले से ये शेर आप सबको नजर करती हूँ, मुलाजा करें। आपकी आवाज सुन गए चेयरमैन साहब, ये बार बार कह रहे महमूद अजहर को हटाओ, मुख्तार को बुलाओ। नहीं नहीं, ये उनकी मोहब्बत है, मगर ये शेर इसलिए इनके हवाले से पढ़ती हूँ, इंशाल्लाह आपकी दुआएं मुझे मिलेंगी। मुलाजा करें। गैब से उतरेगी इमदाद तेरे बच्चों पर, गैब से उतरेगी इमदाद तेरे बच्चों पर, बूढ़े माँ बाप की खिदमत का जो जज्बा। मेरे कुरान की आयत के मुखालिफ जो हुआ, मेरे कुरान की आयत के मुखालिफ जो हुआ, नस्ल आदम नहीं शैतान का बच्चा। और बिल्कुल मैं चाहती हूँ बिल्कुल नया पढ़ूं, क्योंकि पिछले साल मैं आई थी, कोई भी पुराना शेर आपके खिदमत में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। तो एक बार जोरदार तालियां आप भी इजाजत दें।
क्योंकि आपकी आवाज ही ना आए कि ये शेर पुराना है, इसलिए मैं चाहती हूँ नई गजल पढ़ूं। हाँ, गजल आप नहीं पढ़ी है, लेकिन एक नज्म की फरमाइश है खुर्शीद भाई की, और अजराना से आया है वो, रुखसार वाली। जी बिल्कुल पढ़ूंगी मैं, मुलाहजा करें। चार मिसरे हाजिर करते हैं, उसके बाद लहजा करें। आप रूवे गुल समझिया खुशबुए, आप रूवे गुल समझिया खुशबुओ निगहत समझ, इतनी देर से जब मैं बैठी थी तो चाय नहीं आई थी, और अब सभी लोग पी रहे हैं माशाल्लाह चाय, आपके लिए रखी है। बस आप साथ दें, तालियां वगैरह बजाते रहे भाई मेरे, जब आप खामोश हो जाते तो डर लगने लगता है। जी 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 जी, हाजिर करके देखें। आप रूए गुल समझिया खुशबुओ निकहत समझ, मिल गई हूँ मैं तुझे तो ये तेरी किस्मत समझ, इश्क दौलत से खरीदा, इश्क दौलत से खरीदा जा नहीं सकता कभी, बहुत शुक्रिया। और एक गजल बिल्कुल नहीं आपके खिदमत में पेश कर देती हूँ, उसके बाद जगह लूंगी, मुलाजा करें। हम दिल में बसाते हैं, क्या कह रहे हैं, हम दिल में बसा, चचा देखिए कितना मुस्कुरा रहे हैं, हम दिल में बसाते हैं बसाते हैं आंखों में सजाते हैं, हम दिल में बसाते हैं आंखों में सजाते हैं, फिर रेत पे उंगली से, फिर रेत पे उंगली से तस्वीर, रेत पे उंगली से तस्वीर बनाते हैं। बहुत शुक्रिया। फिर रेत पे उंगली से तस्वीर बनाते हैं, और ये शेर आप सबकी नजर, वो लोग जमाने की सब कुछ अभी खा लेना, उसके बाद मैं जब चली जाऊंगी तब आप लोग बैठ जाना खामोश। अरे हट जा यहां से, एक बार जोरदार तालियों से आप दोबारा इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा का। हम दिल में बसाते हैं आंखों में सजाते हैं, फिर रेत पे उंगली से तस्वीर बनाते हैं, और ये शेर मुलाहजा करें। वो लोग जमाने की परवाह नहीं करते, लावड़ वालों ये आपकी मोहब्बत को नजर, जो आप इतने मोहब्बत से सुन रही है शेर आपके लिए, मुलाहजा करें। वो लोग जमाने की परवाह नहीं करते, वाह 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 जिंदाबाद, वाह वाह वाह,
मुकर्रर। चलिए हाजिर कर देखें। वो लोग जमाने की परवाह नहीं करते, वो लोग जमाने की परवाह नहीं करते, वो लोग जमाने की परवाह नहीं करते, जो लोग मोहब्बत की बारिश में नहाते हैं, जो लोग मोहब्बत की बारिश में नहाते हैं, मिलते हैं अकेले में, जब मेरे सनम मुझसे पढ़ने ही नहीं दे रहे क्या। पेश करते देखें। मिलते हैं अकेले में, क्या बात है, जब मेरे सनम मुझसे, ये उनकी मोहब्बत है जो उनकी बेगम घर में इंतजार करती है। पेश करके देखें। मिलते हैं अकेले में, जब मेरे सनम मुझसे, मिलते हैं अकेले में, जब मेरे सनम मुझसे, कांधों पे रखते हैं, बातों से लुभाते हैं, वाह वाह वाह, क्या कह रहा है सर कांधो, सच्ची बात है कि नहीं आप बताइए। नहीं तो जब मेरे सनम मुझसे, सर कांधों पे रखते मुलाजा करें। मत पूछिए, मत पूछिए क्या आलम होता है मेरे दिल का। चेयरमैन साहब ये आपकी नजर। मत पूछिए, इतने खूबसूरत चेयरमैन साहब है माशाल्लाह, और इनके लिए शेर ना पढ़ा जाए तो ये बेकार है। क्या कह रहे हैं, मुलाजा करें भाई। चेयरमैन साहब मुबारक हो, हम बन गया। मत पूछिए, वाकई में शेर सच्चा हो तो पूरे पिंडाल से दुआएं मिले, मुलाजा करें। और सच में चेयरमैन साहब के लिए आपको लगे तो जरूर दुआएं दीजिएगा, मुलाजा करें। मत पूछिए क्या आलम होता है मेरे दिल का। अरे भैया तो आगे हरदा गुल मलिक। मत पूछिए क्या आलम होता है मेरे दिल का, मत पूछिए क्या आलम होता है मेरे दिल का, जब चांदनी रातों में, जब चांदनी रातों में वो छत पे बुला। चेयरमैन साहब आज तो यावर शिकायत करेगा घर जाके, आज तो यावर शिकायत कर देगा घर जाके, चांद की रातों में बुलाते हो। ये पढ़ते हैं आज चेयरमैन साहब की फोन जोरदार तालियां बजाएं चेयरमैन साहब के लिए। और अगली बार भी चेयरमैन साहब को ही आपको जिताना है। कितने लोग चाहते हैं चेयरमैन साहब के लिए हाथ उठा के बताएं। नहीं आप पीछे वाले नहीं उठा रहे क्या, चेयरमैन साहब से आप मोहब्बत नहीं करते हैं। चलिए ये उनकी मोहब्बत। एक बार और पढ़ दो ये शेर, हमें पढ़ सब लोग करते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। मत पूछिए क्या आलम होता
शेर मुलाजा करें। क्या तुमसे कहूं जाना, क्या बात है वाह, वो दिन में नहीं मिलते, क्या तुमसे कहूं जाना, वो दिन में नहीं मिलते, क्या तुमसे कहूं जाना, वो दिन में नहीं मिलते, ख्वाबों में सनम आकर, ख्वाबों में सनम आकर हर रोज सताते हैं। मुलाजा करें, वो कैसे दीवाने हैं, रुखसार खुदा जाने, वो कैसे दीवाने हैं, रुखसार खुदा जाने, वो कैसे दीवाने हैं, रुखसार अफसाने मोहब्बत के महफिल में सुनाते, अरे वो रुखसार हो, हाँ आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही है, मेरी जान बैठ जाओ, आ रही आ रही। वैसे एक बात बताओ रुखसार, ये चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि मोहतरमा आप जो कह रही है वो सब मुझे कबूल है, लेकिन लेकिन फितरत में ज़ौक़े हुस्न परस्ती तो है, मगर सुनो भाई शेर सुनो, चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि फितरत में ज़ौक़े हुस्न परस्ती तो है, मगर आगे हुदूद इश्क से जाते नहीं है हम, और आशिक हम हवस के पुजारी नहीं हुजूर, हम सूंघते हैं फूल को खाते नहीं है हम। देखिए रियाज साहब जो है बहुत रोमांटिक शायरी कर रहे हैं, लेकिन वो हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, मैं नोक झोंक करते ही नहीं हूँ पहली बार। नहीं ये तो चेयरमैन साहब की तरफ से है। जी जी जी, अरे वो चेयरमैन साहब की तरफ से उनकी मोहब्बत कबूल है, पेश करते हैं। पेश करते हैं। मेरी जानिब जब उसकी नजर बन गई, बिल्कुल नया चार मिसरे आज ही मैं पढ़ रही हूँ पहली बार, सुनिए। मेरी जानिब जब उसकी नजर बन गई, मेरे दिल की दुआ का असर बन गई, जब उसकी नजर बन गई, मेरे दिल की दुआ का असर बन गई, इस कदम इश्क के मेरे चर्चे हुए। दादी जी आप क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह, अल्लाह का शुक्र है शादी शुदा हूँ, एक बेटा भी है मेरा, मैं हाजिर करती हूँ। क्या कह रहे हैं, और पेशे से मेरे शौहर डॉक्टर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हाजिर करती हूँ मुलाजा करें। मेरी जानिब जब उसकी नजर बन गई, मेरे दिल की दुआ का असर बन गई, इस कदर इश्क के कदर इश्क के मेरे चर्चे हुए, कल के अखबार की ये खबर बन गई, जिंदाबाद वाह 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 जिंदाबाद, ये खबर बन गई, बहुत
बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस नज्म के लिए बुलाया गया वो नज्म आपके खिदमत में हाजिर करते हूँ, मुलाजा करें। दिल की धड़कन भी और दिलदार, क्या बात है। दिल की धड़कन भी भैया आवाज ना करिए, हाजिर करती हूँ। चेयरमैन साहब का हुक्म है और सर का हुक्म है। हाँ मैं एक बंद समाज फरमाने उसके बाद हाजिर करती हूँ, मुलाजा करें। लावड़ आने के बाद 10 साल बाद अल्लाह के करम से सऊदी अरब जाने का मौका मिला मुझे फिर से, और याद में मुशायरा पढ़ा, दम्मा में पढ़ा, और फिर अल्लाह के करम से उम्रा भी किया आप सबकी दुआ से। पिछली बार लावड़ आई थी, मैंने कहा था अगर अल्लाह ने बुलाया होगा तो फिर इंशाल्लाह जाऊंगी। ये नज्म वहीं से मैंने शुरुआत की थी। हाजिर कर, मुलाजा करें। दिल की धड़कन भी हूँ और दिलदार, दिल की धड़कन भी हूँ और दिलदार हूँ, मैं हाजिर करते हूँ, मुलाजा करें। मेरे दिल में रहोगे संवर जाओगे, मेरे दिल में रहोगे संवर जाओगे, दूर मुझसे गए तो बिखर जाओगे, मेरे दिल में रहोगे संवर जाओगे, मुझसे गए तो बिखर जाओगे, प्यार से कर जो मेरे मुकर जाओगे, प्यार से कर जो मेरे मुकर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगी तुम भी मर जाओगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी मर जाऊंगी तुम भी मर जाओगे, मैं वफादार थी मैं वफादार हूँ, हाँ मैं रुखसार हूँ, हाँ मैं रुखसार हूँ, हाँ मैं रुखसार हूँ, हाँ मैं रुखसार हूँ। और कैसे कामयाबी मिली आपके खिदमत में पेश करती हूँ और उसके बाद जगह ले लूंगी, मुलाजा करें। रब का एहसान है खूब इज्जत मिली, रब का एहसान है खूब इज्जत मिली, मुझको गुरबत में भी अच्छी किस्मत मिली, रब का एहसान मिली, मुझको गुरबत में भी अच्छी किस्मत मिली, कामयाबी मिली और शोहरत मिली, कामयाबी मिली और शोहरत मिली, सारी दौलत ये माँ की बदौलत मिली। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब का एहसान है खूब इज्जत मिली, मुझको गुरबत में भी अच्छी किस्मत मिली, कामयाबी मिली और शोहरत मिली, कामयाबी मिली और शोहरत मिली, सारी दौलत मिली, सारी दौलत माँ की बदौलत मिली, माँ के कदमों में मरने को तैयार हूँ, हाँ मैं रुखसार हूँ, हाँ मैं रुखसार हूँ, हाँ मैं रुखसार हूँ, हाँ मैं रुखसार हूँ।
हजरात ने अपनी मेहनत उससे सजाया है, उसमें कमाल कुरैशी साहब, शाहिद हसन शाही साहब और एक बहुत अच्छे सामयिन में बहुत देर से देख रहा हूँ संजू अग्रवाल साहब, बहुत देर से आपकी उर्दू तहजीब की खुशबू को मुअत्तर हो रहे हैं, यादराम यादव जी, जीशान कुरैशी साहब और उनके पास डॉक्टर परवेज साहब अपने जिंदा दिल्ली का सबूत दे रहे हैं। आइए इस खूबसूरत शेरी सफर को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। तो ये था जिला मेरठ के लावड़ में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। और यह है दिल खैराबादी साहब जिन्होंने आज ये कहा कि जब राहत इंदौरी जो है आखिर में पढ़ते थे मक्ता होते थे और आज ये भी मक्ता हो गया है ना। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ यह मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्दी ये पूरा मुशायरा आप हमारे यूट्यूब चैनल वक्त मीडिया पर देख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करें तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। मैं शफीक खान वक्त मीडिया के लिए लावड़ जिला मेरठ से।